दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन एफडी किया हुआ क्लोज करके दिखाऊंगा, प्री मैच्योर क्लोज करने वाला हूं। अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप बहुत ही आसानी से अपना एफडी क्लोज कर सकते हैं, आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप खोल रखा है, क्योंकि इसके माध्यम से मैंने पहले से एक एफडी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूं और लॉग इन करके मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर आपको कैसे अपना एफडी क्लोज करना है। देख सकते हैं यहां पर मेरा होम पेज है और टैप हियर टू व्यू हाइड बैलेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस और मेरा एफडी का जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। सेविंग्स अकाउंट में 15 रुपए और एफडी में 10,000 रुपए का एफडी है मेरा, जो कि मैंने किया हुआ था। यहाँ पर एफडी अकाउंट नंबर देख सकते हैं मिला हुआ था मुझे। तो एफडी का मैं प्रीमैच्योर क्लोजर करने वाला हूँ, 1 साल के लिए मैंने एफडी किया हुआ था। तो एफडी क्लोज करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो पे का ऑप्शन है और बगल में है नीचे सेव, तो सेव के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एफडी दिखाएगा, एक एफडी है जो कि 10,000 रुपए का है। अगर आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने रुपए का एफडी होगा यहाँ पर दिखाएगा, जितना एफडी होगा उतना यहाँ पर आपको नंबर्स दिखा देगा। अगर आपने ऑफलाइन एफडी किया होगा तो आपका ऑफलाइन एफडी क्लोज नहीं हो पाएगा, वो ब्रांच से ही होगा। यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन एफडी क्लोज होता है। प्रीमैच्योर एफडी क्लोज करने पर आपको 1% का इंटरेस्ट रेट में पेनल्टी लगता है। जितने दिनों के बाद आप अपना एफडी क्लोज करेंगे उतने दिनों का पहले आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और उसमें 1% कम करके आपको उसका ब्याज दे दिया जाएगा। लेकिन मैंने 19 अप्रैल को ही किया था तो मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो मुझे ब्याज यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसे क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 10,000 यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा मैनेज एफडीज और उसके नीचे है डबल बेनिफिट डिपॉजिट जो लिखा हुआ है, इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000 रुपया, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर एफडी अकाउंट नंबर दिखाएगा, एफडी स्टार्ट डेट देख सकते हैं 19 अप्रैल को है, तो 19 अप्रैल 2025 को ये मैच्योर होने वाला है। इसका जो टोटल इंटरेस्ट बनने वाला था 698 रुपए मैच्योरिटी पर मुझे मेरे सेविंग्स अकाउंट में आने वाला था। मेरा सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर नीचे दिखा रहा है, इसी में आने वाला था। और अगर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल का जो पेनल्टी देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्री मैच्योर विड्रॉल व्यू चार्जेस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये पेनल्टी का डिटेल दिखा देता है, ये वेबसाइट पर लेके आ गया है। यहाँ पर बताएगा कि आपको 1% तक का यहाँ पर पेनल्टी लगता है आपके इंटरेस्ट रेट पर। तो मैं इसे बैक कर देता हूं और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चलता हूं। नीचे आने के बाद और भी ज्यादा डिटेल दिखाता है, जैसे कि रीपेमेंट अकाउंट, नॉमिनी का नाम और यहां पर बहुत कुछ। तो यहां पर देख सकते हैं कोने में दिखा रहा है नीचे क्लोज एफडी, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। ठीक, और यहां पर दो ऑप्शन आ गया है कि आप अपना एफडी क्लोज मत करिए, उसके अगेंस्ट ओडी ले लीजिए। लेकिन ओडी मुझे नहीं लेना है, ओवरड्राफ्ट मुझे नहीं लेना है। तो यहां पर जो नीचे वाला ऑप्शन है नो प्लीज क्लोज द एफडी, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट मेरा 6.8 का अभी चल रहा था जब मैंने एफडी किया है, अभी भी चल रहा है 1 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहां पर क्लोज दिस एफडी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। एमपिन पूछने लग गया है मोबाइल बैंकिंग वाला, तो मैं यहाँ पर अपना एमपिन डाल देता हूँ, आप अपना एमपिन डालिएगा। एमपिन मैंने डाल दिया है, अब यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं एफडी सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर जो इसका एफडी क्लोजिंग वाला रिसिप्ट है उसे चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आइकन दिया हुआ है डाउनलोड करने का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर देगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोड कर दिया, ये रिसिप्ट डाउनलोड कर दिया मेरा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो ये रिसिप्ट शेयर भी कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर हटा देता हूँ। और देख सकते हैं अभी मेरा जो एफडी अकाउंट है अभी दिखा रहा है, एफडी क्लोज करने के 2-3 घंटे के बाद आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या फिर अगर आप शाम को एफडी क्लोज कर रहे हैं तो अगले दिन भी आ सकता है, अगर छुट्टी है तो उसके अगले दिन भी आ सकता है। तो दोस्तों पैसे आने तक का मैं इंतजार कर लेता हूं, पैसा आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों फाइनली मेरा बैंक ऑफ इंडिया में एफडी किए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गया और तभी मुझे एसएमएस आ चुका है कि मेरा जो एफडी अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। देख सकते हैं अभी एसएमएस आया 5-6 मिनट पहले और मेरे अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है कि मेरा जो प्रीमैच्योर एफडी क्लोजर है वो सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पर बता रहा है कि मेरा एफडी का जो क्लोजर है वो अकाउंट नंबर इतना से हो गया है और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है सेविंग्स अकाउंट वाले में। चलिए मैं फिर से मोबाइल बैंकिंग में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं फिर से आपको बैलेंस दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया है और डिपॉजिट जो अकाउंट है अभी 0-0 हो चुका है। ठीक है, कल तक ये जो डिपॉजिट अकाउंट दिखा रहा है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ सेविंग अकाउंट दिखाएगा। और यहाँ पर आप स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं क्लोजर प्रोसीड्स लिखा हुआ है और 10,000 रुपया क्रेडिट हुआ है।
जो कि यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर एफडी वाला है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एफडी खोला गया था और यहाँ पर क्लोज हो चुका है। 19 अप्रैल को मैंने खोला था, 23 अप्रैल को मैंने बंद कर दिया है, कोई भी ब्याज मुझे नहीं मिला है क्योंकि इतने दिनों में कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप अपना एफडी क्लोज कर पाएंगे ऑनलाइन बहुत ही आसानी से, कहीं भी बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।